3S लाइफ सेफ एकेडमी, जिसका एक नया आउटलेट, नया ब्रांच आज हमारे शहर जमशेदपुर में खोला गया। इस ओपनिंग सेरेमनी में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पहुंचकर फीता काटकर इस कार्यालय की और इस नए आउटलेट की ओपनिंग की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने फीता काटकर इस नए आउटलेट, नए कार्यालय की ओपनिंग की, जो कि जमशेदपुर में नहीं है। डायरेक्टर, इसकी शुरुआत जो हुई थी काफ़ी वर्षों पहले हुई, और हमने जो है इसकी शुरुआत हमने बेंगलोर शहर से शुरुआत किया था, और आज भी हमारे बेंगलोर ऑफिस में एक इस्टेब्लिश ऑफिस है, और उसको हमने कॉरपोरेट ऑफिस के रूप में हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। और इसकी जो आपने पूछा कहाँ तक इसकी सोच है, हमारी सोच बहुत बड़ी सोच है, और उस सोच के साथ आगे हम ये बढ़ रहे हैं कि एक व्यापक रूप से एक बड़े स्तर पे, और मेरी ये कोशिश रहेगी, देखेंगे इंशाल्लाह कितना आगे कैसा ताकत मिलता है, लोगों का कितना प्यार मोहब्बत मिलता है, और मैं कोशिश रहेगा कि आने वाले विगत 2-4 वर्षों में एक अच्छी बड़ी कॉलेज तरह की निर्माण हो हमारे जमशेदपुर शहर में, वहाँ तक हम सोच रहे, ताकि जो है एक अच्छी तालीम, एक अच्छी जो है, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे पास जो कोर्स की जो वैरायटीज है, वो कोर्स की वैरायटीज हर लोगों के लिए, और ख़ास करके जो गल्फ की ओर अपनी कैरियर को देख रहे हैं, कि तो हमारे पास उनके लिए बहुत अच्छी कार्यक्रम है, खास करके नेबोश, आयुष और उससे भी ऊपर है हमारे कोर्सेज, लेवल 7 कोर्सेज हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी अच्छी चीज़ें बढ़ती रहेंगी, और व्यापक रूप से इसको हम कन्वर्ट करेंगे और बड़े रूप में इसको हम तब्दील करेंगे। आज मैं ऑलरेडी जब हमारी जो ये कोविड की जो परिस्थिति आई थी विगत दो सालों से, तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई, प्रोसेस चेंज हो गई, हमारे जीने का तरीका चेंज हो गया, पढ़ने का तरीका चेंज हो गया, पढ़ाई करवाने का तरीका चेंज हो गया, अभी सारी ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गई। तो एक सबसे बड़ी बात थी जो हमें जमशेदपुर शहर में जो मैं खींचा चलाया इतनी दूर से 2500 किलोमीटर से, कि जो यहाँ से कम से कम आज की तारीख में कम से कम करीब करीब 100 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से अब तक जुड़ चुके हैं, और उस जुड़ाव और उनका मोहब्बत प्यार जो देख के हमें लगा कि जमशेदपुर में हमारी एक अपनी सेंटर होनी चाहिए, और उसी को हम और जमशेदपुर, क्योंकि मेरा एक अपना ये झारखंड स्टेट, मेरा खुद का ये अपना स्टेट है, तो मेरे लिए एक अच्छा मौका था कि मैं एक और नज़दीक, उनके जितने घर के नज़दीक, उनके दिल के नज़दीक और मैं पहुंच पाऊँ, उस कोशिश के लिए हमने यहाँ जमशेदपुर शाखा का एक प्लान बनाया, और आज जो है उस शाखा को हमने श्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी द्वारा हमने इसको उद्घाटन करवाया, और उम्मीद है ये एक हमारी छोटी सी प्रयास जो है आने वाले दिनों में एक बहुत व्यापक रूप में 2-3 साल में आप सभी को नजर आएगा कि हम इसको कैसे इसको तब्दील करते हैं। हमारे पास बेंगलोर हमारी कॉरपोरेट ऑफिस है, और ऑफिशियली फर्स्ट ब्रांच इन नेपाल एंड द सेकेंड ब्रांच इन इंडिया इन जमशेदपुर। ओके, सो टोटल एज ऑफ नाउ आज की तारीख में हमारे 3 ऑफिस हैं, इंक्लूडिंग बैंगलोर इज ए कॉरपोरेट ऑफिस, 1 ऑफिस इन नेपाल, 1 ऑफिस इन नेपाल इन काठमांडू, एंड 1 इन जमशेदपुर टाटानगर। सेफ्टी तो सेफ्टी की कुछ सीमा नहीं है, सेफ्टी तो हर एक आपके लिए सेफ्टी की, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो भी आप कोशिश करते हैं कि कहीं पे एक्सीडेंट ना हो जाए, सोचते होंगे आप, कोई भी एक्सीडेंट करना खुद से नहीं चाहता, लेकिन एक्सीडेंट हो जाती है, तो एक्सीडेंट हो जाती उसको भी रोकने के लिए क्या, कि अगर हमें थोड़ी सी अगर हम पहले से असेसमेंट कर ले, पहले से जानकारी आइडिया ले ले, हाँ ऐसा करने से, गलती करने से, हमें कुछ मिस्टेक होने से हमारे जान माल का दुर्घटना हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो शायद हम वो गलती करने से। मेरी एक मुख्य एक धारणा रहती है, और अब जब आप मेरे को आप गूगल पे या सोशल मीडिया में सर्च करेंगे तो मेरे बारे में, और मेरे नंबर्स को भी सर्च करेंगे तो काफ़ी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज की तारीख में जो 3S लाइफ सेफ अकादमी है, करीब 500 से अधिक कंपनियों के साथ डायरेक्ट उनकी अटैचमेंट्स है, जहाँ पे हमारी सर्विसेज ट्रेनिंग के रूप में, कोर्स के अलावा हमारी ट्रेनिंग की, वी आर द वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ट्रेनिंग इन द ट्रेनिंग सेंटर फॉर द कर्नाटका स्टेट। मैं 2 चीज़ों को ध्यान देता हूँ, और मैं इस चीज़ को सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जिंदगी में 2 ऐसे जगह हैं जो हमें वहाँ जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को आप और अच्छे तरह से प्रचारित कीजिए, शायद इसकी भावना समझ में आएगी आपको।
मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। दो ऐसे जगह हैं जो बीत गई, कल तक जो हुई हम गए होंगे, लेकिन आगे ऐसी दो जगह हैं जहाँ जाने की कोशिश कभी ना करें। हर काम में ये ध्यान में रखें कि मेरे काम करने का तरीका ये दो जगह हमें लेके ना जाए। और वो दो जगह कौन है? अस्पताल और पुलिस स्टेशन। अगर ये जिंदगी में ये दो जगह, जिंदगी में अगर ये दो जगह आप नहीं गए तो आप जिंदगी में सबसे खुशहाल इंसान होंगे, क्योंकि ये दो जगह जो है आपके लिए नुकसान का जगह है। आपको वहां से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, आप कुछ जाएंगे तो वहां नुकसान ही होगा, या जान जाएगी या तो कोई आपको परेशानी होगी। तो अगर आप कोई भी ऐसी काम करें जिसमें दो ये दो जगह जाने की नौबत नहीं आए, तो आप जिंदगी, पूरी जिंदगी आपकी, आपके परिवार, आपकी पूरी सोसाइटी खुशहाल जिंदगी जिएगी। ये इसी थीम के साथ मैं आज जीना चाहता हूँ और लोगों को जिलाना चाहता हूँ। आज की तारीख में आने वाले कुछ एक दो वर्षों तक जो परिस्थिति चल रही है, थर्ड वेव की जो भी आकांक्षाएं चल रही है, सब शक चल रही है कि एक और वेव आने वाला है, और हमें अपनी सुरक्षा के लिए और सभी की सुरक्षा के लिए, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, हमें अभी ऑनलाइन प्रक्रिया को हमें अडॉप्ट करना चाहिए कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक, और डेफिनेटली आने वाले भविष्य में ऑफलाइन चालू होगी। लेकिन तत्काल आने वाले एटलीस्ट 2022 तक अभी तो ऑनलाइन सेवा ही रहेगी, और 2022 के बाद जैसा भी धीरे धीरे हमें आइडिया मिलेगा, जैसे जैसे प्रोसेस स्टैब्लिश होगा, तो इंशाल्लाह फिर बाद में हम उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो नेबॉश जो एग्जामिनेशन होगी नेबॉश की खास करके, वो पूरी प्रक्रिया जो है अब से आने वाले हर एक सालों तक उसको ऑनलाइन प्रक्रिया होगी एग्जामिनेशन की, क्योंकि एग्जामिनेशन पहले ऑफलाइन होती थी, अब सभी ऑनलाइन होगी। हर शख्स, हर इंसान अपने घर से, अपने कार्य क्षेत्र से, जहां भी एग्जामिनेशन के दिन पे हो वहां से एग्जाम दे सकता है। नेबॉश की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ओके, आयुष की जो फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, दोनों यूके बेस्ड है। और जो आयुष के अंदर में जो कोर्सेज होती है, आयुष की जो अधिकांश जो कोर्स होती है जिसको लोग ज्यादा करते हैं और करना चाहते हैं, उसको होती मैनेजिंग सेफ्टी, उसको आयुष एमएस बोला जाता है। नेबॉश की कोर्स जो हाईली डिमांडेड कोर्सेज है नेबॉश आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट क्या है। अगर हम और विस्तार रूप से देखें तो जो आयुष एमएस की जो कोर्स होती है वो लेवल 2 कोर्स होती है इन आरक्यूएफ लेवल, आरक्यूएफ लेवल एज पर द यूके स्टैंडर्ड जो उसकी लेवलिंग होती है कोर्स की, सो लेवल 2 होती है। एंड नेबॉश आईजीसी इज द लेवल 3, सो दिस द टोटल आरक्यूएफ लेवल इज अप टू 8 लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ओके, सो लेवल 3 इज द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द कोर्स। ओके, सो दिस नेबॉश आईजीसी इज अ टोटली इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द कोर्स वेयर यू हैव द इन डेप्थ स्टडी, whereas IOS MS is the objective type questions and answers where you have to tick mark question where he has a subjective and really you required to have a more in depth study with compared to the IOS MS. okay, so IOS MS is a, it could be easier and it could be the starting point, it could be the foundation for the doing the NABOSH. okay, but the NABOSH IGC is like something, it is totally make you the process for your better job career, because high in demand for the shaping the career is the NABOSH IGC. अपना परिचय दे। हाँ, मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। Basically, I'm an engineer, mechanical engineer. I'm a certified trainer, okay, occupational health and safety trainer. I'm a certified first aider, okay, and I'm a engineer. You will find very exceptional cases where the engineers are giving a training to the doctors, okay. I have given the lakhs, thousands of doctors have been trained with my training on the first aid. Okay, I go to the hospitals and the good hospital in the Bangalore where I impart the training, and I give the training for the first aid for the doctors also. Okay, and basically I'm from the state of Jharkhand. Okay, my hometown, my basic hometown is a small city called Daltonganj. Okay, and now I've been settled in the Bangalore city. And the capital of Karnataka state. And you are also director of the... Yeah, I'm a director of the 3S Life Safe Academy.